आगे बढ़ेंगे जो बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे, पीएम पद से शेख हसीना का इस्तीफा, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। शेख हसीना के ढाका छोड़ने की भी खबर सामने आई है। भारत की ओर उड़ा शेख हसीना का चौपर, बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से, ये बड़ी खबर आपको बता दे। पीएम पद से शेख हसीना का इस्तीफा और शेख हसीना के ढाका छोड़ने की भी खबर सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको बता दे, जहां भारत की ओर उड़ा शेख हसीना का चौपर, सूत्रों के हवाले से ये खबर, जहां भारत की ओर शेख हसीना का चौपर उड़ते हुए देखा गया बांग्लादेश से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे, जहां पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना ने इस्तीफा दिया है और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर शेख हसीना के ढाका छोड़ने की भी खबर सामने आई है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारत की ओर उड़ा शेख हसीना का चौपर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पीएम पद से शेख हसीना का इस्तीफा, और इसके साथ ही सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शेख हसीना ढाका छोड़ने की खबर है और इसके साथ ही शेख हसीना का चौपर भारत की ओर उड़ा है। इस सूत्र के हवाले से बड़ी खबर, भारत की ओर उड़ा शेख हसीना का चौपर, बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम पद से शेख हसीना का इस्तीफा, ये बड़ी खबर आपको बताते अहम जानकारी, जहां प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और भारत की ओर शेख हसीना का चौपर उड़ा, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, शेख हसीना ने इस्तीफा दिया है, ढाका छोड़ने की भी खबर और भारत की ओर उनका चौपर उड़ा है, ये सूत्र के हवाले से बड़ी खबर, कैसे देखे ब्रजेश? देखिए श्रावणी, निश्चित तौर पर बांग्लादेश में एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है और कहीं ना कहीं आपातकाल की स्थिति है। अगर वहां से जो है शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा है तो अब इससे बड़ी बात कुछ और हो नहीं सकती है। और जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, साफ तौर पर सेना ने उसे अपने हवाले कर लिया है पूरे देश को, और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था शेख हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देने के लिए और देश छोड़ने के लिए। और अभी जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि सेना के हेलीकॉप्टर से शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है और इस बात की संभावना है कि वो हिंदुस्तान में आके शरण ले सकती हैं या फिर लंदन जा सकती हैं। अभी इस बात का ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि वो हिंदुस्तान जा रही हैं या लंदन जा रही हैं, लेकिन इतना तय है कि वो ढाका छोड़ चुकी हैं। ढाका में जो पीएम का पीएम हाउस है, यानी जो महल है, ढाका महल, उसको छोड़ दिया है अपनी बहन के साथ। जिस तरीके से आरक्षण की आग लगातार भड़कती जा रही है, 300 से ज्यादा लोग अब तक इसमें खत्म हो चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है, और सेना ने पूरी तरीके से पूरे देश में एक तरह से एक कब्जा किया हुआ, पूरे देश में कर्फ्यू लगाया गया था और लगातार ये हिंसा बढ़ती जा रही थी। पुलिस और उपद्रवियों के बीच में जो बवाल है वो बेतहाशा बढ़ता गया और आखिरकार सेना ने इस पूरे मामले में इंटरवीन किया और सेना ने अब पूरे एक प्रशासनिक तंत्र को अपने हाथों में ले लिया है। अब से कुछ घंटों के अंदर सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तरह से तख्ता पलट का ऐलान कर सकती है और पूरे देश का जो शासन है उसे अपने नियंत्रण में लेने का ऐलान, ऑफिशियली ऐलान कर सकती है। तो बांग्लादेश से अपने आप में बुरी खबर है और बांग्लादेश के हालात जिस तरीके से बने हैं वो अपने आप में बेहद जो है खतरनाक है। भारत लगातार इस पर निगरानी रख रहा है क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश और बांग्लादेश की जो गतिविधियां हैं वो भारत को प्रभावित करती हैं। जाहिर तौर पर शेख हसीना का बांग्लादेश छोड़ना, ये बात तय है कि बांग्लादेश के हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए हैं। बिल्कुल ब्रजेश, जाहिर सी बात है, अगर ये खबर सामने आ रही कि शेख हसीना ने देश छोड़ दिया, कई बड़े सवाल कि इस तरीके से देश छोड़ना भी कहां तक सही है। इसके साथ ही ब्रजेश, अगर शेख हसीना, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि शेख हसीना का चौपर भारत की ओर मुड़ रहा है, अगर वो भारत में शरण लेती है तो इसके क्या नतीजे देखने को मिल सकते हैं ब्रजेश? तौर पर अगर बात करें, देखिए कूटनीति के लिहाज से बात करें या रणनीति के लिहाज से बात करें, भारत बांग्लादेश का अभिन्न सहयोगी रहा है और भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बेहद अहम रहे हैं। यही वजह है कि सबसे पहले शेख हसीना सबसे पहले अगर कहीं पर उम्मीद, मदद की उम्मीद लगाकर बैठी हैं तो वो हिंदुस्तान से। अभी तक यूं तो भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से संभावना जताई जा रही है कि शेख हसीना हिंदुस्तान में शरण लेंगी, हिंदुस्तान आ सकती हैं या फिर हिंदुस्तान आ चुकी हैं, तो ये जो खबर है ये अपने आप में बेहद अहम है। लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि सेना के हेलीकॉप्टर से शेख हसीना
ढाका छोड़ करके निकली है। वो ढाका छोड़ करके कहां गई है ये अभी कुछ देर में तय हो जाएगा, लेकिन इतना तो तय है कि भारत बांग्लादेश को शेख हसीना को शरण दे सकता है, क्योंकि शेख हसीना के साथ भी अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान के रिश्ते बेहद अहम रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़े संकट की बात यह है कि सेना उसे पूरी तरह से टेक ओवर कर रही है, यानी पाकिस्तान में तख्ता पलट कभी भी हिंदुस्तान के हित में नहीं रहा। और इसी तरह से बांग्लादेश, चूंकि भारत की सीमा से लगा हुआ इलाका है, और बांग्लादेश में भी अगर सेना तख्ता पलट करती है और सेना शासन में काबिज होती है तो जाहिर तौर पर भी डिप्लोमेटिक तरीके से भारत के लिए इसका नुकसान होगा। ऐसे में अब भारत लगातार इस पर नजर रखे हुए है, इस बात को लेकर के बांग्लादेश के जो बॉर्डर है वहां पर हिंदुस्तान की चौकसी बढ़ा दी गई है, क्योंकि केवल शेख हसीना ही नहीं बल्कि बड़े लेवल पर हिंसा के बाद जो बांग्लादेशी नागरिक हैं वो भी हिंदुस्तान की तरफ, हिंदुस्तान बॉर्डर की तरफ रुख कर सकते हैं। और पहले ही बांग्लादेश घुसपैठ से जो है हिंदुस्तान जूझ रहा है, और ऐसे में अगर हिंसा को देखते हुए बड़ी तादाद में बांग्लादेशी हिंदुस्तान की तरफ रुख करते हैं तो भारत के लिए गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। ऐसे में सारी जो भी बॉर्डर है, बीएसएफ ने सारे बॉर्डर पे अलर्ट कर दिया है, सारी चौक जो बॉर्डर को पूरी तरह अलर्ट मोड पे चौकसी बढ़ा दी गई है, और ये मुतमईन होना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी माइग्रेट होकर हिंदुस्तान में ना जा पाए। तो अभी भारत सरकार को अपना रुख साफ करना होगा कि आखिर बांग्लादेश के संकट से भारत का रुख क्या है। लेकिन फिलहाल शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, जो इसकी खबरें लगातार आ रही हैं। कुछ देर में सेना बांग्लादेश की जो आर्मी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे शासन तंत्र को अपने हैंडओवर करने का ऐलान कर सकती है। तो हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए हैं। जो आरक्षण को लेकर के जो छात्रों की मांग थी वो अब हिंसक होती जा रही है। अवामी लीग पार्टी है जो बांग्लादेश की, उसके भी कई लोगों को जो है मार दिया गया है, जो हिंसक भीड़ ने उसे मार दिया है। तो जाहिर तौर पर हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं, और यही वजह है कि अब भारत की तरफ जो है, जो शेख हसीना की निगाहें भारत की तरफ हैं, कि वो भारत की तरफ जा सकती हैं। बांग्लादेश के पूरे जो बॉर्डर है, बॉर्डर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि किसी भी तरीके से जो माइग्रेट होकर के जो वहां से जो है भाग करके आके हिंदुस्तान में शरण न ले पाए, वो हिंदुस्तान बॉर्डर पार न कर पाए। इसलिए हिंदुस्तान ने सारे बॉर्डर को सील कर दिया है और पूरी तरीके से चौकसी बढ़ती जा रही है। ठीक है ब्रिजेश, तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।